ही एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन नुमानो फैशन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वाइट लॉन्ग कुर्तीज़। तो यहाँ पर आपको टॉप का एंड दुपट्टा का जो फैब्रिक मिल रहा है वो है प्योर कॉटन का। साइजेस इसमें आपको सभी मिल जाएंगे। कुर्ती की जो लेंथ है 50 है एंड इसके दुपट्टा की जो विड्थ है वो फुल विड्थ आपको मिलने वाली है। साथ ही दुपट्टा की जो लेंथ है वो 2 मीटर्स की है। अब बात करते हैं कुर्ती के वर्क की। तो फुल कुर्तीज़ में आपको मिलने वाला है ब्लॉक प्रिंटिंग का वर्क। दुपट्टा में भी आपको ब्लॉक प्रिंटिंग का बॉर्डर मिल रहा है। साथ ही यहाँ जो कुर्ती का बॉटम साइड है, यानी कि कुर्ती का जो बॉटम होता है, वहाँ पर आपको ब्लॉक प्रिंटिंग का काम मिलने वाला है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ काम किया गया है। कुर्ती में आपको मिल रही है अटैच जैकेट जिसमें ब्लॉक प्रिंटिंग का ही काम किया गया है। साथ ही इसमें कुछ पोटली बटन्स का भी वर्क है। यहाँ पर आपको मिल रही है फुल स्लीव्स जिसमें आपको मिलने वाला है ब्लॉक प्रिंटिंग का बॉर्डर। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कलेक्शन की, जिसमें आपको मिल रही है लॉन्ग फ्रॉक स्टाइल कुर्ती। यहाँ पर आपको इसके साथ मिलने वाला है टाई एंड डाई दुपट्टा। दुपट्टा एंड कुर्ती दोनों का ही फैब्रिक प्योर कॉटन का है। कुर्ती की लेंथ आपको 48 मीटर्स की मिलने वाली है। दुपट्टा की लेंथ आपको 2 मीटर्स की मिलने वाली है। दुपट्टा की जो विड्थ है वो हाफ विड्थ होगी। कुर्ती में हैंड ब्लॉक प्रिंट का वर्क हुआ है। फुल फिनिशिंग के साथ इसमें वर्क किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फुल फ्लेयर आपको मिलने वाला है। साइजेस इसमें आपको सभी मिलने वाले हैं, मीडियम टू डबल एक्सेल तक। इसी के साथ यहाँ पर आपको फ्रंट पैनल पर बहुत ही फाइन हैंड ब्लॉक प्रिंट का वर्क मिल रहा है। पूरी कुर्ती में आपको ब्लॉक प्रिंटिंग का वर्क देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपको कॉलर नेक मिल रहा है, 3/4 स्लीव्स मिल रही है। बहुत ही अच्छी एंड प्यारी सी कुर्ती है, आप इसे वेयर कर सकते हैं कहीं भी। दोनों कुर्तीज़ में से सबसे ज़्यादा आपको कौन सी पसंद आई है हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसी तरह और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।